जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए 30 अप्रैल से 3 मई 2016 के मध्य घटित विभिन्न परीक्षोपयोगी घटनाओं में से 8 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार नीला बनर्जी एडगर ए पो पुरस्कार से सम्मानित। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उजाला योजना का शुभारंभ किया। भारत और न्यूजीलैंड ने वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतीय निशानेबाजों ने ISSF जूनियर विश्व कप में 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। भारत एवं पापुआ न्यू गिनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु 4 समझौतों पर हस्ताक्षर। अभिनव बिंद्रा रियो ओलंपिक के लिए भारत के सद्भावना दूत चयनित। 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जायज दिवस मनाया गया। एनके सिंह जापान के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर से सम्मानित। खगोलविदों ने ट्रेपिस्ट 1 दूरबीन के माध्यम से पृथ्वी जैसे 3 नए ग्रहों की खोज की। रेल मंत्रालय ने विज्ञापन से राजस्व बढ़ाने हेतु नया निदेशालय स्थापित किया। कुमार राजेश चंद्रा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख नियुक्त। वाइस एडमिरल सुनील लांबा नौसेना अध्यक्ष नियुक्त। रिलायंस पावर के बांग्लादेश में LNG आधारित संयंत्र के लिए सैद्धांतिक मंजूरी। डॉक्टर राधा विनोद बर्मन राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत। किशोर बियानी को भारतीय रिटेल का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। करंट अफेयर्स विस्तार से। भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार नीला बनर्जी एडगर ए पो पुरस्कार से सम्मानित। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 1 मई 2016 को नीला बनर्जी को एडगर ए पो पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें यह पुरस्कार व्हाइट हाउस पत्रकार संघ के वार्षिक समारोह के दौरान वॉशिंगटन में दिया गया। नीला बनर्जी अमेरिका की इनसाइड क्लाइमेट न्यूज से संबंधित हैं। पत्रकार नीला बनर्जी इनसाइड क्लाइमेट न्यूज में शामिल होने से पहले लॉस एंजलिस टाइम्स के वॉशिंगटन ब्यूरो में ऊर्जा एवं पर्यावरण संवाददाता थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उजाला योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत सरकार का राष्ट्रीय कार्यक्रम उजाला का 30 अप्रैल 2016 को भोपाल में शुभारंभ किया। इस योजना का क्रियान्वयन बिजली मंत्रालय की संयुक्त उपक्रम की PSU कंपनी ऊर्जा दक्षता सेवाएं लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत अगले 6 माह में 3 करोड़ LED बल्ब बांटे जाएंगे। उजाला योजना न सिर्फ उपभोक्ताओं को बिजली बिल कम करने में मदद देगा बल्कि देश में ऊर्जा संरक्षण में भी योगदान करेगा। भारत और न्यूजीलैंड ने वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने हेतु 1 मई 2016 को वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते पर भारत की ओर से कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री संजीव बलियान और न्यूजीलैंड की ओर से परिवहन मंत्री साइमन ब्रिजेस ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए। यह समझौता वर्ष 1944 के कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन के तहत किया गया। भारतीय निशानेबाजों ने ISSF जूनियर विश्व कप में 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय निशानेबाजों ने जर्मनी के सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप में 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल और महिलाओं की 50 मीटर राइफल प्रोन दोनों स्पर्धाओं में टीम वर्ग का स्वर्ण पदक जीता। इसके अतिरिक्त पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में ऋतुराज सिंह ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया। गायत्री नित्यानंदम ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल प्रोन में कांस्य पदक जीता। भारत एवं पापुआ न्यू गिनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु 4 समझौतों पर हस्ताक्षर। यह समझौते राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पापुआ न्यू गिनी की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान किए गए।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पापुआ न्यू गिनी की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। इसके तहत स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में समझौता भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और पापुआ न्यू गिनी के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच हुआ। इसके तहत कृषि अनुसंधान पर समझौता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली एवं पीएनजी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पापुआ न्यू गिनी के मध्य हुआ। अभिनव बिंद्रा रियो ओलंपिक के लिए भारत के सद्भावना दूत चयनित। प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को 29 अप्रैल 2016 को रियो ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सद्भावना दूत बनाया गया। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले और एकमात्र खिलाड़ी हैं। अभिनव बिंद्रा ने भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन से आमंत्रण मिलने के पश्चात भारतीय दल का सद्भावना दूत बनना स्वीकार किया। 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मनाया गया। विश्व भर में 30 अप्रैल 2016 को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 2016 मनाया गया। इस वर्ष यूनेस्को ने इसे वॉशिंगटन डीसी में मनाया। इस दिवस का आयोजन विश्व भर में जैज को शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किए जाने हेतु जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। नवंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक गठन ने 30 अप्रैल को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। पहला अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस पेरिस में यूनेस्को की महासचिव इरीना बोकोवा द्वारा मनाया गया था। एनके सिंह जापान के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर से सम्मानित। जापान ने भारतीय नौकरशाह से राजनेता बने एनके सिंह को 29 अप्रैल 2016 को देश के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर से सम्मानित करने का निर्णय लिया। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबी 10 मई को उन्हें प्रतिष्ठित द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर पुरस्कार प्रदान करेंगे। एनके सिंह को भारत जापान आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देने में अहम भूमिका निभाने के लिए चयनित किया गया। राज्यसभा सदस्य रह चुके एनके सिंह ने राजस्व सचिव और योजना आयोग के सदस्य के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। खगोलविदों ने ट्रेपिस्ट एक दूरबीन के माध्यम से पृथ्वी जैसे 3 नए ग्रहों की खोज की। बेल्जियम के लीज विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने शुक्र और पृथ्वी के आकार और तापमान के समान 3 ग्रहों की खोज की। ये ग्रह पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित हैं। इनमें से 2 ग्रहों की क्रमशः 1.5 और 2.4 दिन की कक्षीय अवधि है और तीसरे ग्रह की 4.5 से 73 दिनों की कक्षीय अवधि है। इस खोज को मई 2016 में नेचर जर्नल में प्रकाशित किया गया। रेल मंत्रालय ने विज्ञापन से राजस्व बढ़ाने हेतु नया निदेशालय स्थापित किया। रेल मंत्रालय ने रेलगाड़ी के डिब्बों, पटरियों के इर्द गिर्द और स्टेशनों के पास बड़े पैमाने पर विज्ञापनों को लगाने हेतु नए निदेशालय की स्थापना की। इस निदेशालय का नाम नॉन फेयर रेवेन्यू डॉक्टरेट है और इसका उद्देश्य गैर रेल भाड़ा स्रोतों से बड़े पैमाने पर राजस्व बढ़ाना है। यह निदेशालय रेल भाड़े के इतर स्रोतों से होने वाले मौजूदा 5% राजस्व को बढ़ाकर 10% से 20% तक करने का प्रयास करेगा। कुमार राजेश चंद्रा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख नियुक्त। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुमार राजेश चंद्रा 5 मई 2016 को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी बीसीएएस के प्रमुख नियुक्त किए गए। कैबिनेट नियुक्ति समिति ने चंद्रा के नाम को मंजूरी प्रदान की। वे वर्ष 1985 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वे निवर्तमान में बिहार पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर कार्यरत थे। वाइस एडमिरल सुनील लांबा नौसेना अध्यक्ष नियुक्त। वाइस एडमिरल सुनील लांबा को 5 मई 2016 को भारतीय नौसेना के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वे 31 मई 2016 को 23वें नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। सुनील लांबा
वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल रॉबिन के धोवन का स्थान लेंगे, जो 31 मई 2016 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। रिलायंस पावर को बांग्लादेश में एलएनजी आधारित संयंत्र के लिए सैद्धांतिक मंजूरी। रिलायंस पावर को बांग्लादेश सरकार से 4 मई 2016 को 3000 मेगावाट क्षमता के तरल प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी आधारित बिजली संयंत्र के प्रथम चरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली। इस मंजूरी के तहत पहले चरण में 750 मेगावाट का संयंत्र नारायणगंज जिले में मेघना घाट पर स्थापित किया जाएगा। इसके तहत रिलायंस पावर 20 लाख टन प्रतिवर्ष की क्षमता का एक तैरता हुआ एलएनजी आयात टर्मिनल स्थापित करेगी। डॉक्टर राधा विनोद बर्मन राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत। डॉक्टर राधा विनोद बर्मन ने 4 मई 2016 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। प्रोफेसर एस महेंद्र देव, प्रोफेसर राहुल मुखर्जी, डॉक्टर राजीव मेहता और डॉक्टर मनोज पांडा इस प्रयोग के अन्य अंशकालिक सदस्य हैं। नीति आयोग के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी इस आयोग के पदेन सदस्य हैं। यह आयोग सांख्यिकी से जुड़े समस्त मुद्दों पर एक सलाहकार निकाय है, जिसका गठन जून 2005 में सरकारी आंकड़ों में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए किया गया। किशोर बियानी को भारतीय रिटेल का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। फ्यूचर समूह के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी किशोर बियानी को 3 मई 2016 को भारतीय रिटेल का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। दोनों कंपनियों के बीच हुए विलय समझौते के बाद बोर्ड पुनर्गठन के तहत यह घोषणा की गई। इसके तहत राकेश बियानी को भारतीय रिटेल का संयुक्त प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें जागरणजोश.com।